कुछ अलग शेयर किया आपके साथ, क्या क्या करती हूँ मैं अपने स्किन पे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को वॉच तो बहुत लोग करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुधा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ज़्यादातर मेरी वीडियो यहीं से स्टार्ट होती है क्योंकि इस कमरे में शांति से बात कर पाते हैं। बाकी जगह रहता है ना कि गेस्ट रूम में रहो तो बाहर की भी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। और आज इवनिंग से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज सुबह से मन नहीं कर रहा था वीडियो स्टार्ट करने का। कभी कभी हो जाता है ना, समझ में नहीं आता, वही लगता है, क्या वही दिखाएं। तो अब देखिए, अगर आप रेगुलर का ब्लॉग दिखा रहे तो फिर कुछ अलग भी नहीं दिखा सकते, उससे ज़्यादा हम लोगों के पास कुछ काम भी नहीं होता है। तो लेकिन नहीं मन कर रहा था आज कि वीडियो बनाए, तो अभी से जाके फिर स्टार्ट किए हैं। काम गया है और काम में आज सबसे बड़ा काम यही किए हैं, ये मेरी दो कुर्ती लाए हैं, मायके से ही लेके आए थे तो नहीं सिल नहीं पा रहे थे, इसका फिटिंग करना था। साइज़ थोड़ा बड़ा साइज़ का लाए थे और जानबूझ के बड़ा साइज़ का लाते भी हैं क्योंकि क्या होता है ना कि जब कपड़े धुल दो, कॉटन का रहता है तो धुल दो तो एक नंबर वैसे ही कम हो जाता है उसका। और सिलाई में ये लोग इतना कम रेडीमेड वाले में रहता है ना कि फिर खोल नहीं सकते हैं, तो एक नंबर बड़ा लेते ही हैं कि डबल एक्सल लेके आए हैं। एक्सल पहनते हैं तो डबल एक्सल लेके आए हैं। वैसे एक्सल में भी थोड़ा बहुत सिलना पड़ता है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत रहता है, या कभी कभी होता है ना कोई कोई कपड़े में होता है कि एक्सल में ही फिट हो जाता है, कोई कोई रहता है कि एक्सल ही बहुत ज़्यादा ढीला होता है। तो ये डबल एक्सल था तो इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब इतना सिलना था, ऐसे एक इंच सिलना था, तो सिल दिए हैं। ये वाला ये प्लाजो था तो सिलाई चलाना था, सारे में सिलाई चला दो ना तो मजबूती हो जाती है, नहीं तो पहनो ना तो खुलने लगता है तुरंत। तो वही सब काम किए हैं आज, मेन काम यही था। कल निकाल के रखे थे तो कल क्या हुआ कि लाइट चली गई, तो फिर बिना ट्यूबलाइट के ना कम रोशनी रहता है तो नहीं सिलते हैं कि आँख पे जोर पड़ता है कम रोशनी रहे तो। अभी सिलाई का थोड़ा बहुत जो भी छोटा छोटा काम था, अभी एक साड़ी में फॉल लगाना है, ये भी काम है, फॉल ला के बहुत पहले का रखे हुए हैं तो वो भी करना है। अभी तभी लगे हैं तो उसको भी निकाल के कर लेंगे, लगा के रख दो तो फिर रहता है ना कि जब मन करेगा तो पहन लो। ब्लाउज तो उसका बना के रख दिए हैं, केवल फॉल लगाना है तो वही है, देखते हैं कब करेंगे। और अभी जा रहे हैं, आज फेस पे देखिए मेरे दाने निकलने शुरू हो गए, एक तो बारिश होने लग गई और दूसरी चीज़ ना कि मेरा ऑयली स्किन है तो दाना तो खैर मतलब हमेशा का रहता है, एक दो तो रहता ही है, पूरा मतलब प्रॉपर एक बराबर चिकना नहीं रहता। ये वाला तो देखिए एकदम दाना नहीं है, बराबर हो गया लेकिन दाग अभी रह गया है। तो वही है, सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ लगा लें तो आपके साथ शेयर करें। तो पहले तो लगाएंगे ये है एलोवेरा जेल, इससे मसाज करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉपर मसाज करने का मन नहीं है, तो अगर प्रॉपर रहता है ना तो मसाज क्रीम रखे हैं, फिर पूरा मतलब फेसियल जब करते हैं तो अभी फेसियल करने का मन नहीं कर रहा है, तो फेस पैक लगाने जा रहे थे तो पहले सोचे फेस पैक से पहले थोड़ी देर मसाज कर लें, तो पहले मसाज करेंगे फिर फेस पैक लगाएंगे। अभी अपना पिटारा लेके बैठ गए हैं, ये है एलोवेरा जेल गुलाब जल फेस पैक बनाने के लिए, ये मुल्तानी मिट्टी, इसे क्लीन कर लेंगे पहले चेहरे को। ये विटामिन ई की कैप्सूल, एक यही अब बच गया है, ख़त्म हो गया है, बीच बीच में करते हैं तो आज मन किया आपके साथ शेयर करने का। नहीं तो स्किन का रहता है मेरा एक सप्ताह पे मतलब एक दिन या कभी कभी दो दिन भी हो जाता है, कभी कभी 15 दिन पे भी हो जाता है, ऐसा नहीं रहता कि रेगुलर एक सप्ताह पे ही होता है, कभी मतलब 10 दिन पे भी हो जाता है, कभी कभी 15 दिन पे भी हो जाता है, कभी कभी सप्ताह में 2 बार भी हो जाता है। रेगुलर मतलब ये रहता है कि हाँ बीच बीच में करना है, स्क्रब भी करना है तो उसको आंगन में ही रखे रहते हैं ताकि जब याद आ जाए तो कर लें। और इससे भी बीच बीच में अगर फेस पैक नहीं भी लगाना हो तो बीच बीच में थोड़ा सा लेके मसाज कर लेते हैं। और दाने का है तो मेरा ऑयली स्किन है तो दाने तो खैर निकलते रहते हैं लेकिन हाथ दाग बने नहीं रहते हैं, जैसे कि ये अभी हैं तो कुछ समय बाद फिर वो चले जाते हैं, तो और इस तरह से छोटे छोटे निकलते हैं, बहुत मोटे मोटे वाले दाने नहीं निकलते हैं। लेकिन ऑयली स्किन जिसका भी है तो पूरा बंद नहीं हो पाता है दाना, थोड़ा बहुत करके निकलता ही रहता है। पहले क्लीन कर लेते हैं,
इसको अच्छे से मिला के इसी तरह से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। हमें पूरा क्लीन कर लिए हैं, कितना भी स्किन साफ रहे लेकिन अगर क्लीनर से क्लीन करिए तो थोड़ा बहुत तो गंदा निकलता ही है। अगर आप फेसियल भी करते हैं और मसाज क्रीम की जगह पे इसको एलोवेरा जेल को यूज़ करिए तो भी अच्छा रहता है। स्टेप बाय स्टेप बस बता दे रहे हैं। मेन स्टेप यही रहता है इसी तरह से। दो मिनट तक मसाज कर लिए हैं, दो तीन मिनट पांच मिनट जितना देर आप कर सकते हैं। और इससे रहता है ना कि बहुत ज़्यादा देर तक जितना देर सूख जाए, मतलब एक बार लगाए थे तो अभी सूख गया है और सूखने के बाद इस तरह से हाथों से सूख गया है। और जब मसाज क्रीम से करते हैं तो बार बार पानी के सहारे, इसमें मैं पानी यूज़ नहीं करती हूँ कि केवल जेल से जब तक सूख जाए बस उतना देर तक मसाज करते हैं। अभी पूरा अच्छे से सूख गया है, इसको अभी पानी से कहिए या गीला करके, कॉटन को गीला करके पोंछ लेंगे फिर फेस पैक लगाएंगे। थोड़ा बहुत बीच बीच में अपने स्किन का भी केयर करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा समय निकालिए तो देखिए उसी से फ़र्क काफ़ी दिखता है। लाइट चली गई है तो रोशनी थोड़ा कम आ रहा है। ये है मुल्तानी मिट्टी, गुलाब जल, पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे। अच्छे से सब जगह लगा लिए और अभी जब तक ये सूखता है तब तक इस कमरे में भी झाड़ू लगाना है, क्योंकि सिलाई करे हैं थोड़ा बहुत धागा फैला रहता है तो उसको पहले साफ़ कर लेते हैं। इसमें झाड़ू लगाना है, बर्तन धुलना है, तब तक ये सूख भी जाएगा और काम का काम भी हो जाएगा। और बैठ के सुखाओ ना तो जैसे खुजली टाइप की, जैसे जब जब सूख के खींचता है तो इचिंग टाइप की होती है, और काम करते रहो और कब सूख जाता है पता भी नहीं चलता। देखिए अच्छे से सूख गया है तो अभी धो लेते हैं, फेस धुल लिए, देखिए कितना सॉफ्ट लगता है। थोड़ा सा लगाइए तो ज़रूरी नहीं होता कि कलर साफ़ हो जाए या पूरे गोरे हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क दिखता है और चेहरे में चमक बनी रहती है। सबसे ज़्यादा ये रहता है कि चेहरे में चमक बनी रहती है, तो बीच बीच में कर लेते हैं। और इतना सारा काम करते हैं तो थोड़ा बहुत अपने लिए भी समय निकालना चाहिए, बहुत नहीं समय लगता, जो बैठ के थोड़ा बहुत लगाने में समय लगता है, बाकी
जो भी फेस पैक लगाइए, सूखने का समय लगता है, वो किचन में कोई भी काम कर लीजिए। तो ज़्यादातर औरतें ऐसे ही करती हैं, काम फेस पैक लगा लिया, काम कर ली, कोई आ गया था तो देखने चले गए थे। तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक का है, आज दिखाया अपने स्किन पे क्या क्या करते हैं। तो यही था आज का वीडियो। अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।